वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिना अनुदानित से अनुदानित में जिस तरीके से टीचरों की बदली हुआ करती है उसको लेकर, पदोन्नति को लेकर, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अभी फ़िलहाल जो इलेक्शन का माहौल चल रहा है और इस वजह से जो है शैक्षणिक अपडेट बहुत कम तौर पर जो है हमारे पास में फ़िलहाल आ रही है। इस वजह से वीडियोज़ जो है उतने नहीं बन पा रहे। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि शिक्षक बदली चा 10,000 याचिका प्रलंबित। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि बिना अनुदानित से जो अनुदानित में टीचरों की बदली हुआ करती है उसकी करीब करीब 10,000 याचिका प्रलंबित है। इस तरीके से इस न्यूज़पेपर के हवाले से, मतलब लोकमत न्यूज़पेपर हवा के हवाले से खबर ये दी जा रही है। आपको पता है कि 1 दिसंबर 2022 से जो है बदली में स्टे लगा है और अभी तक वो स्टे जो है हटने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन इसके पहले काफ़ी बार वीडियो आ चुके हैं कि स्टे अब हटने वाला है, तब हटने वाला है, या उसके अलावा भी जो है, मतलब जो लोग हाई कोर्ट में जाते हैं इसके खिलाफ़ तो उनको जो है वहाँ से मान्यता दी जाती है, उनको परमिशन दी जाती है बिना अनुदानित से अनुदानित में बदली को लेकर। इस वीडियो में हम तफसील से इसकी इन्फॉर्मेशन हासिल करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जो है आसानी से मिल पाए। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जहाँ से आपको तमाम शासन निर्णय परिपत्रक वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। हम आगे देखते हैं, यहाँ पर बताया जा रहा है कि बिना अनुदानित से अनुदानित शाला मध्ये शिक्षकाच्या व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यासंबंधी उच्च न्यायालयाच्या वेगवेगळ्या खंडपीठांनी तेज आदेश देऊनही त्याच मुद्द्यावर शिक्षक शाळा व्यवस्थापन उच्च न्यायालयात दाद मागत असल्याने उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार व शिक्षण विभागाच्या उदासीन वृत्तीवर टीका केली। मुंबई, औरंगाबाद, नागपूर या तिन्ही खंडपीठात पुढे शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यासंबंधी 10,000 अधिक याचिका प्रलंबित आहे। तो आप देख सकते हैं कि एक इतना बड़ा आंकड़ा जो है हमारे सामने आ रहा है कि शिक्षक व शिक्षकेतर की करीब करीब 10,000 याचिका जो है यहाँ पर प्रलंबित बताई जा रही है। आप लोगों को पता है कि जो कोर्ट में जाता है, मतलब जो हाईकोर्ट में अपनी याचिका लेकर जाता है उसको वहाँ से जो है परमिशन दी जाती है, तो ये परमिशन कॉमन क्यों नहीं की जा रही है, एक बहुत बड़ा प्रश्न है। क्योंकि इसके पहले TET स्कैम का भी ये हुआ था कि जो लोग हाईकोर्ट में जाते हैं सिर्फ उन्हीं को परमिशन दी जाती है और जो लोग नहीं जा पाते तो उनका कुछ नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर देखेंगे आप कि करीब 10,000 याचिका जो है प्रलंबित है। राज्य सरकार के उदासीनतेमुळे समाज, शाळा व्यवस्थापन, शिक्षकाचे नुकसान होता है। तो इस तरीके से ये खबर छापी गई थी 19 अप्रैल 2024 को सोलापुर लोकमत एडिशन की तरफ से। और बताया जा रहा है कि 10,000 याचिका जो है वो शिक्षक बदली को लेकर, मतलब बिना अनुदानित से अनुदानित को लेकर जो है प्रलंबित है। और इसको लेकर भी, मतलब ये तो 10,000 का आंकड़ा आपके सामने आ रहा है, लेकिन काफ़ी टीचर ऐसे हैं कि जिनका प्रस्ताव अभी भी पेंडिंग है 1 दिसंबर 2022 के शासन निर्णय को लेकर। और ये शासन निर्णय अभी फिलहाल तो जो है 3 जून, मतलब जब तक इलेक्शन ख़त्म नहीं होता है तब तक इसके हटने के कोई आसार फिलहाल तो नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्शन का माहौल चल रहा है अभी। बाकी किसी का किसी भी चीज़ में किसी तरीके का कोई ध्यान नहीं है। उम्मीद है आपको वीडियो बेहतर लगी। वीडियो बेहतर लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में किसी बेहतर अपडेट के साथ। खुदा हाफिज़।